हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू मेकअप ट्यूटोरियल। आज का मेकअप ट्यूटोरियल है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। अब धीरे धीरे आपको वेडिंग सीजन्स भी आने वाले, तो इसके अकॉर्डिंग मेकअप के ट्यूटोरियल्स देखने मिलेंगे। आज का मेकअप ट्यूटोरियल मैं कर रही हूँ मेहंदी लुक पर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ब्राइडल्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और साइडर्स को भी, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्राइडल ही अच्छी रेडी हो, साइडर्स भी अच्छे अच्छे रेडी हो सकते हैं ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल देखकर। और ये मेकअप ट्यूटोरियल ओनली फॉर आप मेहंदी पर ही नहीं, अगर आप कोई और ओकेजन पर भी ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा मेकअप ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम फेस को अच्छे से प्रेप कर देंगे। मैंने मेरे फेस पर क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर दी है। सबसे पहले मैं फेस पर लगा रही हूँ फॉर एवर 52 का गोल्ड वाटर, जो कि मेरे फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखेगा। और फिर आ जाती है प्राइमर की बारी। आज मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का। इसको मैं मेरे अच्छे से ओपन पोर्सेस पे अप्लाई कर दूँगी। प्राइमर मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब कर देती हूँ मैं आईब्रो की डिफाइनिंग। आईब्रो को अच्छे से मैं बना लेती हूँ, क्योंकि आईब्रो के अंदर बहुत सारे गैप्स होते हैं और आईब्रो से हमारा लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पर आईब्रो डिफाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ शुगर की आर्च अराइवल आईब्रो डिफाइनर। एक बार मैंने टेम्प्रेरी अब मेरे आईब्रोज को अच्छे से डिफाइन कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से ब्रश कर दूंगी, ताकि जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा है वो रिमूव हो जाए। अभी तो एकदम बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रही होगी। अब इसको अच्छे से मैं डिफाइन कर दूंगी कंसीलर की हेल्प से। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का कंसीलर। तो आईब्रोज को मैंने अच्छे से फिल कर दिया है, आप देख सकते हो कितना अच्छे से डिफाइन कर दिया कंसीलर की हेल्प से। अब मैं मेरा आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं कंसीलर को एज अ प्राइमर मेरे आई लिड पर लगाऊंगी। और ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अच्छे से ब्लेंड कर देने के बाद इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का प्रो पाउडर। तो अच्छे से मैंने कंसीलर को सेट कर लिया है। कंसीलर सेट मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो हम आई मेकअप करेंगे उसके अंदर क्रीजिंग ना हो। और आई मेकअप में मैं यूज़ करने वाली हूँ आज ये डिलेंसी की पैलेट, जो कि बहुत ही अच्छी पैलेट है। और इस पैलेट के अंदर इतने अच्छे अच्छे शेड्स हैं, सारे कलरफुल शेड्स हैं। आज मैं पूरा मेहंदी के ऊपर लुक क्रिएट करने वाली हूँ, उसके अकॉर्डिंग इसमें ग्रीन शेड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो अब ग्रीन शेड्स के साथ खेला जाए। तो एक बार एज ए ट्रांजिशन शेड मैं कोई लाइट सा शेड यूज़ करती हूँ। लाइट सा शेड में ट्रांजिशन शेड में यूज़ करूँगी येलो टोन में। अब थोड़ा धीरे धीरे डार्क शेड ग्रीस करूँगी ये वाला शेड। इस शेड से मैं मेरी आइज़ को होलो आइज़ बनाऊँगी। इसके लिए मैं ब्रश चेंज कर रही हूँ। अब मैं इसमें ग्रीन कलर पिक कर रही हूँ, लाइट ग्रीन कलर पिक करूँगी एक बार, फिर डार्क की तरफ जाऊँगी। अब इसको एक बार अच्छे से फिर से ब्लेंड करेंगे। मैं मेरी क्रीज को करूंगी कट। इस कट करने के लिए मैं फिर से कंसीलर का यूज कर रही हूँ। मैंने ग्रीन कलर को लाइटली इस कट क्रीज के आसपास मैंने अच्छे से स्मच तो कर लिया है, बट मुझे ग्रीन कलर और डार्क चाहिए, इसलिए मैं एक थोड़े फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस ग्रीन कलर को डायरेक्टली अप्लाई करूंगी। तो अच्छे से मैंने ग्रीन कलर को अप्लाई कर लिया है और मेरी आईज़ का शेप भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जहाँ पर थोड़ा लाइट कलर है वहाँ पर अच्छे से डैप डैप करूँगी। और अब मैं इसको फिर से थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी, ताकि ये जो मेरे एक्स्ट्रा जो और शेड्स हैं आई शेड्स के, उसके साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए।
ये जो मैंने ग्रीन शेड अच्छे से दबा के मस्त थतेल के जो अप्लाई किया है उसके ऊपर मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी। ग्लिटर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का, इसके अंदर बहुत ही अच्छा एक ग्रीन कलर दे रखा है, इसको मेरी लिड्स पर मैं अप्लाई करूँगी। बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड शेड है ये। अब मैं थोड़े मेरे आउटर कॉर्नर को थोड़ा डार्क करने के लिए और ग्रीन कलर का शेड यूज़ करूँगी। आई मेकअप मैंने दोनों आँखों का कर लिया है, अब मैं ये जो एक्स्ट्रा मेरा शेडो फेस पर गिरा है उसको रिमूव कर देती हूँ मेकअप रिमूवर की हेल्प से। अब जहाँ पर प्राइमर थोड़ा हट गया है वहाँ पर थोड़ा सा प्राइमर भी लगा लेती हूँ। अब आ जाती है फाउंडेशन की बारी। फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलेगल प्रो का फुल कवरेज फाउंडेशन। ये फाउंडेशन इतना अच्छा है, हमारे फेस पर कोई भी पिगमेंट हो कुछ भी हो इसको अच्छे से कवर कर लेता है। ब्लेंड करना है फाउंडेशन को, कहीं पर भी फॉल्स नहीं रहना चाहिए। फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा तो वो हमारे पूरे मेकअप को बहुत ही ज़्यादा केकी दिखाएगा। डोंट अवॉइड ईयर एरिया एंड नेक एरिया। अब आ जाती है फेस की कंसीलिंग की बारी। मैं मेरे फेस को अच्छे से कंसील कर दूंगी कंसीलर की हेल्प से। तो फर्स्ट ऑफ अब इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और फिर इस कंसीलर को अच्छे से सेट कर दूंगी। सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एलेगल का प्रो पाउडर। अब मेरे फेस की मैं कॉन्टोरिंग कर दूंगी और कॉन्टोर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का मिनी कॉन्टोर पैलेट। कॉन्टोर हमारा फेस हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ मेरे फेस पर ब्लश अप्लाई। ब्लश अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। इसके अंदर 3 ब्लशेज हैं और बहुत ही अच्छा शेड है इसके अंदर ब्लश का। तो इसमें मैं पीच कलर यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं कर देती हूँ मेरे फेस को हाईलाइट। हाईलाइटर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कैरेक्टर का हाईलाइट। ये हाईलाइटर इतना ज़्यादा अच्छा है, आप इसके अंदर देख सकते हो 4 शेड्स हैं। डस्की स्किन के लिए भी है, लाइट स्किन के लिए भी है, मीडियम स्किन के लिए भी है। तो इसके अंदर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला शेड पीच टाइप का। फेस अच्छे से हाईलाइट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम बल्ब की तरह चमक रहा है चेहरा। अब मैं मेरे आई मेकअप पर चली जाती हूँ और आई मेकअप में मेरा आईलाइनर बाकी है, मस्करा बाकी है और काजल बाकी है। तो काजल मैं आज लगाने वाली हूँ ग्रीन, क्योंकि मेरा आउटफिट भी है ग्रीन, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं काजल भी आज ग्रीन ही लगाऊंगी। तो और काजल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की, जो कि बहुत ही अच्छा शेड है और एकदम स्मच प्रूफ है। अब इसी के नीचे थोड़ा सा स्मोक ड्रो करने के लिए छोटा एंगुलर ब्रश लेकर ग्रीन शेड को अच्छे से स्मच कर दूंगी। आ जाती है आईलाइनर की बारी। आईलाइनर मैं अच्छे से विंग वाली ड्रॉ करूंगी, क्योंकि इस लुक में विंग आईलाइनर बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। सो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर की लिक्विड आईलाइनर।
आईलाइनर लग चुका है और अब मैं मेरी लैशेस को अच्छे से कर्ल कर दूंगी, क्योंकि कर्ल करने के बाद हमारे जो लैशेस हैं वो थोड़ी लॉन्ग भी दिखती है और घनी भी दिखती है। और मस्कारा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का डबल डेट मस्कारा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके अंदर मैंने आपको पहले भी मेरी मेकअप के ट्यूटोरियल में दिखा रखा है कि इसके अंदर हमको फॉल्स लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये हमारी आईब्रोज ये हमारे लैशेस को बहुत ज़्यादा घनी कर देता है। आई मेकअप मेरा कंप्लीट डन हो चुका है, अब आ जाती हूँ लिप्स पर। लिप्स को मैं कर लेती हूँ एक बार अच्छे से मॉइस्चराइज, और मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर के लिप बाम। और लिपस्टिक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मिस कॉस की मैट लिपस्टिक, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वेयर है, नहीं केकी होती है, नहीं हमारे लिप्स को ड्राई होने देती है। तो लिपस्टिक मेरी लग चुकी है और ये शेड इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने और लाइट शेड नहीं यूज़ किया, थोड़ा सा डार्क में गई, क्योंकि मुझे पूरा मेकअप इतना मैंने डार्क किया है तो लिपस्टिक लाइट होगी तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा सा मीडियम टोन यूज़ किया है जो न्यूड टाइप का, न्यूड में भी थोड़ा डार्क है। और अब इस पूरे मेकअप को मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। सेट करने के लिए मैं यहाँ पर लॉरियल का इन्फ्लेबल मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। ये है हमारा फाइनल मेकअप, अब मैं दिखाऊंगी आपको हमारा फाइनल लुक। ये है हमारा फाइनल लुक, आप देख सकते हो ये वाला लुक मैंने क्रिएट किया है मेहंदी के लिए, क्योंकि मेरे पास स्पेशली ग्रीन कलर का ही लहंगा था तो मैंने सोचा क्यों ना ये ब्राइडल को ही डेडिकेट किया जाए। मेहंदी के लिए बहुत ही अच्छा लुक है ये, आप हालांकि ये वाला लुक कभी भी ट्राई कर सकते हो। और ये वाला लुक मैंने जितना इजी हो सकता था उतना आपको बताने की कोशिश की है। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको देखने के बाद अच्छा लग गया होगा। अगर लग गया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और हाँ, आपको किसी और मेकअप ट्यूटोरियल के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं ज़रूर उसके ऊपर बनाने का ट्राई करूँगी। और बस यहीं पर आपसे अलविदा लेती हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट मेकअप के ट्यूटोरियल में। और हाँ, मैं डेली व्लॉगिंग भी करती हूँ तो आप मेरे जाके व्लॉग्स भी देख सकते हो मेरे। ओके, बाय।